नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मोनिका डुंगरवाल आज अपने इस वीडियो में आहार में परिवर्तन अर्थात मॉडिफिकेशन इन डाइट के बारे में आपको जानकारी देने जा रही हूँ। कल के वीडियो में हमने थेरापेटिक न्यूट्रिशन अर्थात उपचारात्मक आहार के बारे में बात की थी, साथ में उसके उद्देश्य उसके सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, साथ में आहार वैज्ञानिक की क्या भूमिका है और किसे कहेंगे ये भी मैंने आपको समझाया था। तो उपचारात्मक आहार रोगी व्यक्ति को देने के लिए हम आहार में क्या परिवर्तन करते हैं उसके बारे में मैं आज की वीडियो में आपको जानकारी देने जा रही हूँ। सामान्य आहार में रूपांतरण अर्थात आहार में परिवर्तन की हम बात करने जा रहे हैं और इसके लिए छह तरीके काम में लिए जाते हैं आहार में परिवर्तन के। सबसे पहला पॉइंट होता है आहार का स्वरूप एवं रचना में परिवर्तन लाकर। दूसरा तरीका है पोषक तत्वों की मात्रा में परिष्कृति करके। तीसरा जो तरीका है वह है आहार में विशिष्ट भोज्य पदार्थों को सम्मिलित करना अथवा वर्जित करना। नेक्स्ट है रेशेदार भोज्य पदार्थों का नियंत्रण। इसके बाद हम लेते हैं आहार से स्वाद गंध को हटाना अथवा विकसित करना। लास्ट पॉइंट है दो भोजन के समय के बीच के अंतर में परिवर्तन लाकर। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फर्स्ट पॉइंट की, जो कि है आहार का स्वरूप एवं रचना में परिवर्तन। इसे हम इंग्लिश में कंसिस्टेंसी भी कहते हैं। कंसिस्टेंसी से मतलब होता है कि जो चीज हमने बनाई है, जो भोजन बनाया है वो गाढ़ा है, पतला है, किस तरह की उसकी थिकनेस है, हम एक तरह से ऐसे भी कह सकते हैं, किस तरह का टेक्सचर है, इन सब चीजों से भी उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो आहार के स्वरूप और रचना की परिवर्तन की जब हम बात करते हैं तो रोगावस्था में आहार नियोजन करते समय आहार के स्वरूप और रचना में परिवर्तन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जैसे अतिसार या डायरिया की स्थिति में नरम या सॉफ्ट भोजन दिया जाता है, परंतु यह अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए कि रोगावस्था के लिए आयोजित आहार सामान्य भोजन के नमूने पर ही आधारित हो। इसका मतलब यह है कि जब व्यक्ति सामान्य स्थिति में था तो वो जो भोजन खा रहा था उसी अकॉर्डिंग अभी का भोजन भी होना चाहिए। अधिकांश रोग की दशा में सामान्य भोजन में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं करना पड़ता है, परंतु कुछ रोगियों के लिए सामान्य आहार में परिवर्तन करना जो होता है वह बहुत ही जरूरी हो जाता है। अर्थात वो रोग की दशा पे भी निर्भर करेगा, व्यक्ति पर भी निर्भर करेगा और वो पहले कैसा खाना खा रहा था इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि हमें उसके स्वरूप में और रचना में कितना परिवर्तन करना है। उपचारात्मक आहार मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ पर उस आहार की बात की गई है जिसके कि हम स्वरूप और रचना में परिवर्तन कर रहे हैं। तो इस आधार पे हमने आहार को तीन भागों में बांटा है कंसिस्टेंसी के आधार पे। एक होता नरम आहार जिसे कि हम सॉफ्ट डाइट कहते हैं, दूसरा होता है अर्ध तरल आहार जिसे कि हम सेमी लिक्विड डाइट कहते हैं, तीसरा होता है तरल आहार जिसे कि लिक्विड डाइट कहा जाता है। तरल आहार को वापस से हम दो भागों में बांटते हैं बच्चों। पहला होता है पूर्ण तरल आहार और दूसरा होता है साफ तरल आहार। यानी कि पूर्ण तरल आहार से तात्पर्य होता है कि फुल फ्लूइड डाइट और दूसरा होता है आपका क्लियर फ्लूइड डाइट। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नरम आहार या सॉफ्ट डाइट की। सॉफ्ट डाइट नाम से ही पता चल रहा है कि आहार जो होना चाहिए वह सॉफ्ट होना चाहिए या नरम होना चाहिए। अर्थात आहार जो है या भोजन जो है वह व्यक्ति के द्वारा आराम से चबाया भी जा सके और निगला भी जा सके। अतिसार, पेप्टिक अल्सर तथा उन रोगियों की जिनके दांत नहीं होते हैं उन्हें नरम आहार दिया जाता है। नरम भोजन के अंतर्गत निम्न भोज्य पदार्थ सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे कि पकी हुई व कुचली हुई सब्जियां, मतलब आपने अच्छे से पका ली और उसको मैश कर दी है। देन पका हुआ केला, संतरा, अंगूर, मैश्ड आलू, चावल, चावल भी अच्छे से पके हुए होने चाहिए, पनीर,
नर्म डबल रोटी, दूध, दही, इसी तरह से सूखे मेवे या ड्राई फ्रूट्स जिसे हम कहते हैं वह पीस कर दे सकते हैं। कस्टर्ड, पुडिंग, आइसक्रीम का भी प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात सॉफ्ट डाइट उस व्यक्ति को दी जाती है जिसके की मुंह की प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के छाले हो गए हैं या दांत की प्रॉब्लम चल रही है, भले उसमें कई बार दांत बाहर होते हैं तो वायरिंग की जाती है, या फिर कोई दांत निकल गया है उसका, है ना। तो इस समय पर व्यक्ति जो है वो भोजन को अच्छे से चबा नहीं पाता, और इस समय पर अगर हम उसे कड़क भोजन कह दें या हम उस कह दें कि क्रिस्पी भोजन देंगे तो वो चबाने में उसको दिक्कत होगी। तो उस व्यक्ति को नरम आहार दिया जाना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि जो कि अच्छे से कुक्ड हो या पका हुआ हो और अच्छे से मैश किया हुआ हो। अब हम बात कर रहे हैं अर्ध तरल आहार की, जिसे सेमी लिक्विड डाइट कहा जाता है। मतलब ना तो ये पूरी तरह से सॉलिड फॉर्म में है, ना ही पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में होता है। इस तरह के फूड को हम सेमी लिक्विड डाइट कहते हैं। मतलब सॉफ्ट डाइट से थोड़ा सा और ये लिक्विड डाइट की तरफ आ जाता है। इसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं, लिक्विड पार्टिकल्स भी है, उन दोनों का मिक्सचर जो होता है इसे सेमी लिक्विड डाइट नाम से जाना जाता है। तीव्र बीमारी या शल्य क्रिया के बाद जब रोगी भोजन लेने में असमर्थ हो जाता है, उसकी भूख मर जाती है, उसको वॉमिटिंग हो रही होती है, या जी मचलाता है बहुत अधिक, पेट फूल जाता है, अथवा अतिसार अथवा डायरिया, डिसेंट्री हो जाता है, तो अर्ध तरल आहार दिया जाता है। फर्स्ट सॉफ्ट डाइट में हमने कहा था मुंह से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको चबाने में या निकलने में। इस समय पे उसका ऑपरेशन हुआ है, स्पेशली स्टमक वाले पार्ट का, या हम ये कहें डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट का हुआ है, तो ऐसे समय पर व्यक्ति को सेमी लिक्विड डाइट दिया जाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसकी भूख कम हो गई है, उसको वॉमिटिंग हो रही है ना, साथ में उसका जी घबरा रहा है, पेट फूल गया है, डायरिया भी हो सकता है। तो ऐसे समय पर ऐसा फूड दिया जाता है जो कि ना तो कंप्लीटली लिक्विड है, ना ही कंप्लीटली सॉलिड है। उसके बीच की जो स्टेज होती है उसे सेमी लिक्विड फॉर्म कहा जाता है, और इस फॉर्म में हम उसको फूड को देने का कार्य करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं तरल आहार की या लिक्विड डाइट की। लिक्विड डाइट का मतलब है कि जो फूड है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, बट वो फॉर्म जो है वह लिक्विड या तरल ही रहेगी। जब रोगी व्यक्ति नरम भोजन और अर्ध तरल भोजन दोनों को ही नहीं पचा पाता है, अथवा उसके मुंह, ग्रास नली, जीभ में घाव, कैंसर आदि हो गया हो, तो उसे तरल भोजन देने की आवश्यकता पड़ती है। अतिसार, शल्य क्रिया के बाद रोगी को तरल आहार ही दिया जाता है। यह आहार भी दो तरह का होता है। एक होता है पूर्ण तरल आहार। पूर्ण तरल आहार जिसे कि हम फुल फ्लूइड डाइट कहते हैं, जब रोगी ठोस भोज्य पदार्थ को चबाने में, निगलने में असमर्थ होता है, तो उसे पूर्ण द्रव्य आहार दिया जाता है। इसके अंतर्गत साफ, क्लियर एवं अपारदर्शी, अपारदर्शी का मतलब है ट्रांसल्यूसेंट तरल हो सकता है, मतलब उसमें आर पार आपको नहीं दिख रहा है, बट उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो लिक्विड है। जैसे कि आहार में फलों का रस, टमाटर का रस, दालों का सूप, नींबू का शरबत, चाय, कॉफी आदि सम्मिलित किए जाते हैं, और इस तरह का जो लिक्विड आहार होता है इसे हम पूर्ण तरल आहार या हम इसे फुल फ्लूइड डाइट कहते हैं। साफ तरल आहार या क्लियर फ्लूइड डाइट। साफ तरल आहार में पारदर्शी तरल का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इस तरल से हम आर पार देख सकते हैं। इसमें ठोस कणों का समावेश नहीं होता है, कोई भी पार्टिकल आपको सॉलिड नहीं दिखेगा। इस आहार के अंतर्गत नींबू पानी, ग्लूकोज का पानी, अनाज का पानी, साधारण जिलेटिन, फलों का रस आते हैं। साधारणतः एक दिन में यह व्यक्ति को 500 किलो कैलोरी ऊर्जा देने का कार्य करता है। अब हम
मॉडिफिकेशन इन डाइट या भोजन में परिवर्तन के दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट जो अभी हमने कंप्लीट किया है वह है आहार के स्वरूप तथा रचना में परिवर्तन, और दूसरा पॉइंट जो अब हम ले रहे हैं वो है पोषक तत्वों की मात्रा में परिष्कृति करना, यानी मॉडिफिकेशन इन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। उपचारात्मक आहार तैयार करने हेतु पोषक तत्वों की मात्रा में परिष्कृति की जाती है, जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम, अधिक अथवा बिल्कुल ही नहीं देकर आहार नियोजन किया जाता है, जैसे अधिक प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाना या प्रोटीन रहित भोजन देना, उच्च रेशे वाला भोजन दिया जाना या रेशे रहित भोजन देना, और सोडियम रहित भोजन को दिया जाना। इस तरह से कई अन्य डाइट भी होती है जिसमें कुछ को आप बढ़ा रहे हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स को और कुछ न्यूट्रिएंट्स को कम कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो है वह व्यक्ति की रोग की स्थिति पे भी निर्भर करती है और किस तरह का रोग है उस पे भी निर्भर करती है। साथ में डाइटिशियन को ये ध्यान में रखना होता है कि अगर अधिक प्रोटीन युक्त भोजन देना है तो उसको किस तरह के आहार को सम्मिलित करना है उसकी डाइट में, और अगर कम प्रोटीन युक्त भोजन देना है तो किस तरह की चीजों को हटाया जाना चाहिए। इस चीज को या इस पॉइंट को डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे कि प्रोटीन अधिक प्रोटीन युक्त भोजन जो है उसके लिए हमें कौन से चीजों को देना चाहिए या हमें इसके लिए क्या और बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्वालिटी ऑफ प्रोटीन भी बढ़ा सके, साथ में किस बीमारियों में अधिक प्रोटीन दिया जाता है, ये किस बीमारियों में कम प्रोटीन दिया जाता है। इसके साथ साथ कई और भी डाइट होती है जिसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आहार में विशिष्ट भोज्य पदार्थों को सम्मिलित करना अथवा वर्जित करना, वहां पे हमने बात की थी पोषक तत्व की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भोज्य पदार्थ की। कुछ रोग की दशा में कुछ विशिष्ट भोज्य पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है जबकि कुछ को बिल्कुल ही हटा दिया जाता है, जैसे किडनी डिजीज या गुर्दे की बीमारी में सोडियम नहीं दिया जाना, मधुमेह में शक्कर का वर्जित किया जाना, पेप्टिक अल्सर में दूध की मात्रा को बढ़ाया जाना, और हार्ट डिजीज में वसा या फैट की मात्रा को कम कर देना। अर्थात इसमें भी ये जो भोज्य तत्व हम सम्मिलित कर रहे हैं या वर्जित कर रहे हैं यह रोग के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि व्यक्ति को कौन सा रोग है, उस अकॉर्डिंग हमें चीजों को मिलाना है या कम करना है। फोर्थ पॉइंट है रेशेदार भोज्य पदार्थों का नियंत्रण। रेशेदार भोज्य पदार्थों को भी कई बार बीमारी के अनुसार कम करना पड़ता है या बढ़ाना पड़ता है, जैसे कब्ज की दशा में रेशेदार भोज्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाई जाती है, जबकि अतिसार पेप्टिक अल्सर की दशा में रेशेदार भोज्य पदार्थों को वर्जित करना पड़ता है या उसकी मात्रा को बिल्कुल हटाना पड़ता है। नेक्स्ट या फिफ्थ पॉइंट है आहार से स्वाद गंध को हटाना अथवा विकसित करना। उपचारात्मक आहार का नियोजन करते समय कुछ भोजन में से स्वाद तथा सुगंध को हटाया जाता है जबकि कुछ रोग की दशा में स्वाद एवं सुगंध को विकसित किया जाता है ताकि रोगी इसे मन से भरपेट खा सके। अर्थात यह भी व्यक्ति की बीमारी पे निर्भर करता है कि स्वाद और गंध को कम करना है या हटाना है या उसको डेवलप करना है। पाचन संस्थान में अव्यवस्था यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जब डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं पेप्टिक अल्सर के समय या अतिसार आदि की स्थिति में भोजन का स्वाद एवं सुगंध को कम करना पड़ता है, जबकि प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन के समय अल्पभार के समय या रक्त अल्पता या एनीमिया की स्थिति में स्वाद एवं सुगंध को विकसित करना पड़ता है जिससे कि व्यक्ति को खाने की इच्छा हो वो उसे खा सके और इस कारण से वह अपने नॉर्मल या सामान्य पोषण स्तर को प्राप्त कर सके। नेक्स्ट या लास्ट पॉइंट है दो भोजन के समय के बीच के अंतर में परिवर्तन लाके। दो भोजन के समय के बीच का अंतर का तात्पर्य है जैसे कि आपने सुबह उठ के चाय पीते हो बच्चों नॉर्मल कंडीशंस में, उसके बाद ब्रेकफास्ट लेते हो, तो ये हुआ दो भोजन। उसके बीच का जो गैप रखना चाहिए वो गैप या समय जो है वो कितना होना चाहिए,
कौन सी बीमारी में यह समय को हमें बढ़ाना पड़ेगा या इस गैप को बढ़ाना पड़ेगा, कौन सी बीमारी में इस गैप को कम करना पड़ेगा। जनरली जब हम इंडियंस का मील पैटर्न देखते हैं, मील पैटर्न का मतलब है कि वह खाने को कितनी बार लेता है दिन भर में, तो यह देखने में आता है कि इंडिया में जनरली आहार जो है वह 3 मील पैटर्न पे बेस्ड होता है। 3 मील पैटर्न का मतलब होता है बच्चों कि ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, यानी कि सुबह का नाश्ता, दिन का भोजन या दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन। और इस 3 मील पैटर्न के बीच में छोटे छोटे स्नैक्स आपके आते हैं, जैसे सुबह की चाय आ जाती है आपकी, है ना, और उसके बाद आपकी इवनिंग टी आ जाती है। पर मेन जो आपका खाने वाला जो समय है वो 3 मील पैटर्न पे बेस्ड होता है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर पे। और इसमें जो है आपके बीच में छोटे छोटे से स्नैक टाइम आ जाते हैं या इवनिंग टी टाइम आ जाते हैं। तो उपचारात्मक आहार नियोजन करते समय रोग की स्थिति तथा गंभीरता को देखते हुए 2 भोजन के समय के बीच में अंतर करके, अर्थात उस समय को कम करके, अधिक करके, न्यून करके उपचार किया जाता है। उदाहरणतः ट्यूब फीडिंग। ट्यूब फीडिंग क्या होता है ये चीज भी नेक्स्ट वीडियो में कवर की जाएगी बच्चों। ट्यूब फीडिंग में लगातार भोजन देना, क्योंकि आपको पता है उसको आर्टिफिशियल तरीके से दिया जा रहा है, तो लगातार उसके अंदर भोजन को थ्रू ड्रिप के थ्रू दिया जाता है। अतिसार, अपच की दशा में उसे करीब 15 से 20 घंटे तक भोजन के रूप में, मतलब मुंह से कुछ नहीं दिया जाना। पैप्टिक अल्सर, जिसको पैप्टिक अल्सर हो गया है, इस स्थिति में उसको हर 1 या 2 घंटे में कुछ न कुछ दिया जाता है, जिससे कि उसके स्टमक में या उसके हम कहें आमाशय में जो एसिड बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके और उसका जो पेट में अल्सर हो गया या घाव हो गया है उसको वह और बुरी स्थिति में ना लाए वह एसिड। और इसलिए उसको बार बार भोजन दिया जाता है कि जो एसिड एक्स्ट्रा डेवलप हो रहा है वो एसिड जो है भोजन पे कार्य करे, न कि उस अल्सर पे कार्य करे। इसके साथ ही जो आज का हमारा टॉपिक था, मॉडिफिकेशन इन डाइट या आहार में परिवर्तन, जो कि मैंने अभी आपको बताया 6 तरीकों से किया जाता है, यह समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।